अस्सलामुअलैकुम अंबर। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सो मच कि आपने हिम्मत की और आप आ सकें कि हम दूसरों की मदद कर सकें आपकी बातों से। नहीं, अब हिम्मत अल्लाह ताला दे देता है। यकीन करें, आपने पहले भी जब लॉकडाउन था 3 दफ़ा मुझे बुलाया, मैंने मना कर दिया था मेकअप के हवाले से। बिल्कुल। लेकिन आज मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही है कि मैं लोगों तक पैगाम पहुँचाऊँ जो एक्सपीरियंस मैंने इतने अरसे देखा, क्योंकि मेरे घर में ऊपर के फ्लोर में डैडी, नीचे मम्मी, बीच में मम्मी और नीचे भाई, 3 कोविड वाले थे जो पॉजिटिव। लिटरली जब डैडी को हुआ, तो जबकि डैडी माशाल्लाह से 2-2.5 महीने कहीं नहीं निकले। अच्छा, आपके घर में मतलब लाइक कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ? जैसे भाई, अम्मी, अब्बू सब एक घर में रहते थे ना? डॉक्टर है। अच्छा, भाई उसकी ड्यूटी भी लगी, जैसे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट। हाँ, ही इज ईएनटी। उसकी ड्यूटी भी लगी कि कोविड में जाकर, मगर वो एक टेक्नीशियंस देखते हैं, इज अ डॉक्टर, तो वो बस ये कि सुपरविजन के लिए वो। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि वो भी नहाना धोना, प्रिकॉशन करना। और डैडी अब या तो वहाँ से, या फिर डैडी ने एक दफ़ा पतंग मंगवाई तो गंदी चादर में लिपटी हुई थी, डैडी ने हाथ नहीं धोया होगा उस वक्त। फिर कुछ पैसे थे, एक दफ़ा बस बैल्कनी से पैसे दिए। हाँ। मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज है कि समझ नहीं, आपको आप ढूंढ नहीं पाए कि ये आया कैसे घर। हाँ, क्योंकि जर्म देखें, एक अगर स्ट्रांग बॉडी है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है इंसान का, तो वो उसको कुछ नहीं सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं अपने भाई का, जब भाई का पॉजिटिव, पहले नेगेटिव आया। अच्छा। उसके बाद पता कैसे चला आप लोगों को? कोई बुखार आया, डैडी को बुखार, पहले डैडी को बुखार आया। मुस्तकिल पूरे रमजान उन्होंने जो है कोई 14-13 रोजे रखे, और ठंडा ठंडा आम दूध पीते थे, शरबत पीते थे, तरबूज, ठीक है ना, उनको बहुत शौक है दूध ठंडा। ऑल्दो ही वॉज अ डायबिटीज पेशेंट, पिछले सालों से कभी परहेज नहीं किया। अच्छा। हमेशा खाया पिया मिठाई मिल्शेक, कहते जब मौत आनी है तो आएगी, मैं खाता पीता मरूं। अच्छा, सुनते नहीं थे आप लोगों की? अल्लाह ताला ने वही उनकी जो जहन में होता है ना इंसान की, वही हुआ। उनके डैडी को बुखार हुआ तो भाई ने कहा कि आपको, और तेज बुखार था डैडी को, नहीं हल्का, 99 था। भाई ने फौरन, क्योंकि फैल बहुत रहा था, तो फौरन ही टेस्ट दिया। बाय द टाइम टेस्ट दिया, उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आई। उस वक्त खाली अब्बू का टेस्ट हुआ, सिर्फ अब्बू का, और किसी का नहीं? किसी का टेस्ट नहीं। भाई ने अपना पहले टेस्ट कराया था तो नेगेटिव, उसका तो नेगेटिव आया था, क्योंकि रिपोर्ट्स भी आजकल, वो मैं बात करूंगी टर्न बटन, कुछ पता नहीं कहीं पे, जब तक सिम्टम्स ना आना आपको नहीं पता चलता पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। बिल्कुल। एक क्योस है, हम तो हर चीज से गुजर चुके हैं। अच्छा, अब्बू को बुखार आया, फिर अब्बू का टेस्ट, बुखार आया, जब टेस्ट आया उनकी रिपोर्ट है पॉजिटिव। अच्छा, उससे 4-5 रोज पहले ना डैडी कहीं नहीं निकले, तो मम्मी ने कहा चलो जब से लॉकडाउन कैसा हो रहा है घर घर में 2.5 महीने से, मैं कहा मम्मी मेरे घर आ जाए इफ्तारी करने। हाँ। बस वो एक दिन इफ्तारी करने आए थे, अब मेरे घर में होता तो मैं हूँ। अच्छा, जब अब्बू का पॉजिटिव आया उससे 4-5 दिन पहले आपके घर इफ्तारी करने आए, लेकिन माशाल्लाह हमारे सब सही है, ठीक है ना। जब हुआ तो ये हुआ कि पता नहीं उतरते हुए हुआ, कोई दरवाजा छुआ होगा डैडी को, तब जर्म्स लगा होगा, तो रूल आउट नहीं हो सकता, पता ही नहीं चल रहा, नहीं पता चला। अच्छा, फिर उसके बाद पॉजिटिव जब आया तो उसके बाद फौरन जो है उनको कमरे में रखा भाई ने, मतलब अपने घर पे ही, घर पे ही। हाँ। 3 फ्लोर्स है, ग्राउंड बीच में, और ऊपर जो किरण का बनाया था जब। अच्छा, और उसका खाली बुखार आया था या नजला खांसी? नहीं, और हल्का सा गले में खराश थी डैडी की, सिर्फ बुखार था एंड नथिंग एट ऑल। उसके बाद क्या हुआ, डैडी क्या कहते हैं, हम सबके टेस्ट, भाई ने बुलाया सब आओ। अच्छा। मैं, मेरी बेटी, जो जो हम लोग वहाँ थे, हम सबके टेस्ट, और भाई ने अपना फिर टेस्ट, मैं कहा तुम भी अपना टेस्ट दोबारा करो। उसने भी अपना टेस्ट कराया। अच्छा। वो रिपोर्ट हमारी फिर 2 दिन के बाद आई। बाय द टाइम डैडी को जब रखा हमने कमरे में, तो नेक्स्ट डे अब वो, क्योंकि चलते थे, डैडी को स्ट्रोक हुआ था पिछले साल। अच्छा। तो वो वॉकर की मदद से, तो पता चला वो, उनको मैंने सना मक्की भी सबको दी है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो उनको डायरिया हुआ। अब वो चलने फिरने से ना, वो बगैर उसके चले होंगे, तो जब भाई 8 बजे आया तो गिरे हुए थे। हाँ। और पूरा उनका बाथरूम सब निकला हुआ था। हाँ। और ये था कि मम्मी मना किया था कि आप जो है ना बता, तो वो मम्मी ने खोल के देखा तो वो हाथ दे रहे कि उठा लो। हाँ। इतने में अच्छा भाई फौरन ऊपर आया, उसने फिर, क्योंकि पूरा सूट पीपी सूट पहनना कोविड पेशेंट के पास, ऐसा आप जा नहीं सकते। हाँ। तो पूरा वो पीपी सूट, 3 ग्लव्स, मास्क, 3 मास्क होते थे, ऊपर से शील करके उसने पूरा उनको नहलाया, साफ कराया, कर दिया। उसके बाद 11 बजे मुझे फ़ोन आया कि गिन्नी तुम कहाँ हो, तुम कब आ रही हो?
कि डैडी फिर गिर गए बाथरूम में, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि वाकई मैं फौरन भागी, बस उठती हूँ मैं, भागी हूँ 11:15 बजे, और यही था कि बिल्कुल एक्सपोज, उस वक्त इंसान को होश ही नहीं था, अगर ना भी मैं पीपी सूट पहनती मैं चली जाती, क्योंकि बाप है मेरा, उस समय ये नहीं देखूंगी मुझे कोविड है, मेरी बेटी, उस समय मेरा नहीं नर्व्स, जल्दी पहना है, वो कह रहे ऐसे नहीं, 3 ग्लव्स पहनो शील पहन के, और यकीन करें अच्छा, मैं ये पीपीई सूट आम इंसान को कहाँ से मिल सकते हैं? ये क्योंकि मेरा मामू का बेटा डॉक्टर है, हाँ। जिना हॉस्पिटल में ये खरीदे उसने भी, अच्छा। और डॉक्टर्स को तो बेचारे ना खरीद के हमें दिए, अच्छा। हमें तो उसने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, उसने लाके दिए मास्क ग्लव्स, कितने हमने इस्तेमाल किए, वो ऑलरेडी थे हमारे पास पहले से, लाके उसने दे दिया था जब डैडी का ये हुआ ना, क्योंकि उसको देखा तो डैडी, मैं जब इस पहन के गई हूँ तो बाथरूम में पड़े हुए गिरे हुए थे ना, मैं कहा डैडी डैडी, तो फिर उठाया, फिर उनको उठाया, यकीन करो उस वक्त उनमें ताकत नहीं थी, पूरा बाथरूम दोबारा डायरिया हुआ था उनका, तो सना मक्की से डायरिया तो उनको तो मगर नहीं, सना मक्की से एक दफ़ा होता है डायरिया, किसी को बाकी कुछ नहीं, हमने 11 दिन मैंने पिलाई है सना मक्की, डैडी को पिलाई, अच्छा उनको डायरिया हो रहा था फिर भी आप पिला रही, एक दफा जब पिलाया तो डायरिया हुआ, अच्छा, जिस दिन आज पिलाई है, हाँ। कि ये सुना था, क्योंकि ये मैंने कब सुना था, जैसे कि मुझे पहले मेरे एक दोस्त ने कहा था, या सना मक्की डॉक्टर नादिर जो है वो कह रहे हैं इम्यून सिस्टम बढ़ता है, क्योर नहीं है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, तो मैंने कहा यार छोड़ो अभी सही है, अभी मैं तो नहीं कुछ कर रही। उसके बाद इत्तेफाक की बात है, रात को दोबारा उनकी वीडियो, जब भी उनकी वीडियो लगती थी गायब हो जाती थी, मुझे वीडियो मिली, मैंने देखी, हाँ। तो एकदम मेरे जहन में वो था सना मक्की, हाँ। उसने मुझे लाके दी, उसके पास थी, वो तो एक हफ्ते से पी रहा था, एज ए इम्यून सिस्टम, मेरा दोस्त, अच्छा। मेरा फैमिली फ्रेंड है, अच्छा, समझे, लाइक अ फैमिली, वो तो एक हफ्ते 10 दिन से, यार मैं तो रोज पी रहा हूँ, बड़े मजेदार, मैंने फौरन उसने दी, मैंने भाई, मैं, डैडी, सबको मैं दे रही थी, घर में मेरी बेटी, मैं मम्मी घर, मतलब मैं सबको बना बना के, अब डैडी का फिर जो है उसके बाद डैडी को टेस्ट कराया, पूरा सब सब कराया, मतलब यकीन करो 1 घंटा उनको उठाना, उनको बिठाना, उनको लिटरली हमने खुद डैडी को नहलाया है, और सब ने वो कपड़े पहने हुए, नहीं उतार के पॉटी, अच्छा। वाले कपड़े थे, नहीं नहीं आपके पहने हुए थे ना, वो पूरा पहना हुआ, एक वक्त को तो मुझे लग रहा था मैं फेंट हो जाऊंगी, क्योंकि सांस नहीं आ रही थी, 3 मास्क, पसीना, उनको नहलाना, अब उसके नहलाने में सारा पानी अंदर, सब पूरा उनको उठाए बेचारे, वो मल भी नहीं सक रहे थे ना, इतने वीक थे, तो मैंने सब मला, मैं कहा डैडी आप फिक्र नहीं करें, मैं आंखें बंद करके मल रही हूँ, भाई ने उनके जिलेली बाल भी वहीं बैठे बैठे उनको नहलाया, उसके बाद कपड़े पहनवाए, फिर उनको हमने लिटाया, फिर मैंने सारा फिनाइल से बाथरूम धोया, पोचा लगाया, वो कपड़े थैली में डाले, थैली में डाल के भी एक नॉट अलग होती थी वो, क्योंकि हम कोविड उसमें थे, मैं पूरी भीग गई थी, अब उसको उतारना, सारी चीज़ें उतारना, फिर ये मास्क पहले, ये ग्लव उतारो ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट था हमारा कोविड पेशेंट से, फिर ये था कि दूसरा वाला उतारो, इतना मैं तो कंफ्यूज है कौन सा क्या उतारूं, समझ नहीं आता था पूरा, फिर उतारो तो कहाँ उतारो, बाहर उतारेंगे, पहली दफा मंदिर के बाहर उतारेंगे तो जर्म्स ना उड़ जाए, मगर फिर बाहर खोल के आराम से जिप उसको उतारा, वहीं पर उसको उतारा, स्प्रे करते थे, फिर दूसरा ग्लव, फिर जाके मैं गर्म गर्म, मैं ज़िंदगी में इतने खौलते पानी से नहीं नहाई, गरम गरम पानी से नहाई, 20 सेकेंड तक मलती रही, फौरन मैंने सना मक्की का भाप लिया, मैं धूप में बैठी, सना मक्की का भाप भी लेते हैं, हाँ, अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैंने तो 11 दिन जो है ना मुस्तकिल लिया, मैंने हाँ। 3 कोविड पूरा घर मम्मी का समझो, कोविड पेशेंट से था, मैंने धूप भी, मैंने कहा भाड़ में जाए कोई भी शक्ल वक्ल, धूप चाहे टैन भी हो जाऊँ, क्योंकि एक वो था, इस वक्त तो सर्वाइवल का साल है, ब्यूटी कमाना, राइजिंग, कुछ नहीं, मैं जिंदगी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरी ऐसी हालत है, मैंने कभी भी मैं नेल पॉलिश ना हो, ये होश ही नहीं है किसी चीज का, फिर उसके बाद डैडी को जब पहना दिया तो उनको मेडिसिन देनी थी, फिर नहाने के बाद फिर दूसरा सूट पहना, वो सूट फेंका, फिर दूसरा सूट पहना, फिर मैं गई डैडी, डैडी आप ये खा लें, टोस्ट खा लो कॉन्टैक्ट, फिर आके नहाओ, मतलब आसान नहीं है, मतलब जब आप उनको सर्व करती थी फिर आके आपको शावर लेना पड़ता, अब वही था कि कैसे करें, उनको पैम्पर बांधा हम लोगों ने, क्योंकि उनको चलने फिरने में तो एक प्रॉब्लम थी, फिर हमने अरेंज किया, क्योंकि भाई भी डॉक्टर, भाभी भी डॉक्टर है, हमने डे नाइट का अटेंडेंट को रखा, एक ICU वार्ड कोविड का था और एक दूसरा था दिन में, फिर डैडी को ऊपर शिफ्ट किया, जब ऊपर शिफ्ट किया, जो किरण पहले रहती थी 2 कमरे बने हुए,
और नीचे वाले मम्मी तुम अटेंडेंट को देना, डैडी को आम दूध देना, डैडी को खीर देना। अच्छा, जब आप जो खाना देने जाते थे आप डैडी को, वो कैसे देते थे? जब आपने आईसीयू वाला अटेंडेंट रख दिया ना, फिर आप क्या पेपर प्लेट्स वगैरह में देते थे? सब पेपर प्लेट्स, पेपर ग्लासेस, हमने कोई चीज जो अंदर गई वो बाहर नहीं आई उस कमरे से। नहीं।